हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मलिक सजील। एमसीएच साइंसियस एनआईटी के ट्यूटोरियल्स में आपको वेलकम करता हूं। सो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जावा में यूज़ होने वाले फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या होता है। दोस्तों, फ़ाइल हैंडलिंग के ज़रिए हम किसी भी टेक्स्ट फाइल में रीड और राइट कर सकते हैं। मतलब हम प्रोग्राम के ज़रिए किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड भी कर सकते हैं और उस फाइल के अंदर हम कोड के ज़रिए राइट भी कर सकते हैं। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जावा में जाएंगे और मैंने एक फ़ाइल हैंडलिंग के नाम का प्रोजेक्ट न्यू लिया हुआ है। सोर्स में जाके एक क्लास ले लेते हैं और इसका नाम भी हम फाइल हैंडलिंग रख देंगे। इस फाइल हैंडलिंग में हम डाटा को रीड करेंगे, तो इसलिए हम इसके साथ रीड भी लिख देते हैं, फाइल हैंडलिंग रीड। इसे फिनिश करते हैं, इसको दोबारा से बना लेते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमारी क्लास आ चुकी है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फाइल के नाम से। फाइल f इज इक्वल टू न्यू फाइल, हमने वो पाथ दे देना फ्रेंड्स जो हमारा, जहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी है। हमने फ़ाइल रखी हुई है, ये मैंने d के अंदर फाइल रखी थी, आप देख सकते हैं टेस्ट नेम की एक फ़ाइल पड़ी है डी में। हमने इसका पाथ दे देना, इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर इसका पाथ दे देंगे हम। ये पाथ मैंने दे दिया और इसको हम क्लोज़ कर देंगे। दोस्तों, हम देख सकते हैं फ़ाइल के नीचे एरर आ रहा है। इस एरर को ख़त्म करने के लिए आप जावा की जो इंपोर्ट है, क्लास को इंपोर्ट कर दें। देख सकते हैं आप, एरर यहाँ पर अब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आप फाइल रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। आईएस इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है, रेड अंडरलाइन आ रही है। तो वो कहते हैं कोई आर्गुमेंट इसके अंदर आप पास करें। हम इसके अंदर डबल कोटेशन फ़िलहाल पास कर देते हैं, क्योंकि बाद में हम इसे चेंज करेंगे और इसके अंदर हम इम्पोर्ट कर देंगे क्रिएट क्लास, इंपोर्ट करेंगे पहले फाइल रीडर को की क्लास को। फाइल रीडर क्लास इंपोर्ट हो गई। अब इसके नीचे दोबारा आ रहा है, तो इसमें हम सराउंड विद ट्राई और कैच ब्लॉक इसके अंदर लगा देंगे, तो हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा एरर अब ख़त्म हो चुका है। अब आपने करना क्या है कि एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कहाँ करना है। यहाँ पे आप int c name का एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसके बाद आप एक लूप चलाएं, वाइल लूप। वाइल c जो है हमारा, c इज इक्वल टू is डॉट रीड, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हमारे पास एक मैसेज प्रिंट हो जाए, सिस्टम डॉट प्रिंट। इसमें हम करेक्टर पास कर देंगे, करेक्टर, और यहाँ आर्गुमेंट में हम इसके सी पास कर देंगे और यहाँ इसे क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रेड अंडरलाइन आ रही है, तो हम इसमें भी एक ट्राई और कैच ब्लॉक लगा देंगे। ऐड कैच क्लॉज टू सराउंडिंग ट्राई, इसे हम कर देंगे, तो हमारा एक्सपेक्शन जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। और अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं आपको टेक्स्ट फाइल दिखा देता हूँ। टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान,
तो अब इसको यहाँ पे हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक एरर आ रहा है, तो इस एरर को सबसे पहले हम हैंडल करते हैं। एरर ये आ रहा है कि वो कहते हैं आप आर्गुमेंट जो आपने पास किए थे उसके अंदर आप अपने फाइल को पास करें। ये हमने फाइल को पास किया, अब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी आउटपुट आ गया लव पाकिस्तान, जो कि वहाँ पे था उसने डाटा को रीड किया और आपको कंसोल पे उसने डिस्प्ले करवा दिया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।